इस लेक्चर के अंदर हम रूबी इंस्टॉल करेंगे। तो रूबी विंडो के लिए इंस्टॉल करने के लिए रूबी इंस्टॉलर की साइट पर जाना है। आप रूबी इंस्टॉल ये आ जाएगा, तो रूबी इंस्टॉलर की वेबसाइट पर ये क्लिक कर दें। फिर विंडोज़ के लिए डाउनलोड पे क्लिक कर दें। फिर ये अलग वर्जन आ जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से और प्रीवियस और लेटेस्ट वर्जन भी आ जाते हैं। तो ये जो 64 का लिखा हुआ है 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर सकते हैं। आप इधर जैसे आ जाएं, इधर लिखें कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में आ जाएं, इधर सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कर दें। फिर सिस्टम में आ जाएं तो ये आपको बताता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। ये 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है तो मैं 64 के लिए डाउनलोड कर लूँगा। फिर इसे ओपन कर लेते हैं जब डाउनलोड हो जाएगा। फिर इस पर रन पर क्लिक कर दें। आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लें, फिर नेक्स्ट कर लें। फिर इसके अंदर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि ये आपके पाथ में ऐड कर दे, रूबी का पाथ ऐड कर दे। जब आप जैसे कि कमांड लाइन से ओपन करके तो रन कर सकेंगे। और फिर ये जो ये फाइल्स हैं रूबी के साथ एसोसिएट कर दे तो ये भी हम चेक कर देंगे। फिर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दें। अब फिनिश पर क्लिक कर दें, इंस्टॉल हो गया। तब हम चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। इधर आकर आप लिख लें रूबी डैश वी लिखते हैं। तो ये वर्जन बता दिया इसने, तो ये इंस्टॉल हो गया है रूबी। अगर आपने रूबी ऑन रेल्स और या रूबी के बारे में सीखना हो तो आप हमारे networkstack.com के ऊपर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में भी।